Welcome to RenSync Online Learning. In this session, we are going to discuss fourth question of quadratic equation. And the question is, if a square plus a minus 2 into x square plus a plus 2 into x is less than 1, for all x belongs to R, then a belongs to which of the following interval? तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या गिवन है? a square plus a minus 2 into x square plus a plus 2 into x minus 1 is less than 0. हमें पता है कि अब जब भी एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी गिवन हो तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो x square का कोफिशिएंट होता है उसे सेम उस इनइक्वालिटी के साथ भी लगा देते हैं उसका कोफिशिएंट x square का, और हम d भी क्या कर देते हैं, लेस देन 0 कर देते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए माइनस टू, इसे भी हम वही इनक्वालिटी लगा देंगे लेस देन जीरो, एंड हम डी लेस देन जीरो, ये वाली सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन लगाएंगे. तो फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो यहाँ से ए प्लस टू आ गया, एंड यहाँ पे माइनस वन कॉमन लिया तो ए प्लस टू आ गया. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस वन इंटू ए प्लस टू इज लेस देन जीरो. तो हम d लेस देन जीरो सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी स्केयर माइनस फोर ए सी, तो आ गया a प्लस टू का होल स्केयर माइनस फोर इंटू ए ए स्केयर प्लस ए माइनस टू, एंड माइनस वन एक c आ जाएगा हमारे पास, तो ये प्लस हो जाएगा इज लेस देन जीरो. तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस टू का होल स्केयर ऐसे प्लस फोर, अभी हमने ये वाला सॉल्व किया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू यहाँ पे, तो वही लिख देते हैं ए माइनस वन इंटू ए प्लस टू इज लेस देन जीरो. तो यहाँ से एक ए प्लस टू कॉमन आ गया, तो अंदर बचा ए प्लस टू प्लस इसको मल्टीप्लाई फोर ए माइनस फोर इज लेस देन जीरो, तो यहाँ से आ गया ए प्लस टू इंटू फाइव ए माइनस टू इज लेस देन जीरो. ठीक है, तो अब हम इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करके देख लेते हैं. ठीक है, नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करेंगे तो ये कितना आ गया, एक तो हमारे पास माइनस टू आ गया और एक आ गया वन. तो हमें पता है ये वाला जो पार्ट होगा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एंड ये पॉजिटिव होगा. तो हमें नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, लेस देन जीरो वाला. ठीक है, तो हमारे पास ए कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस टू से वन तक. अब सेम इसके केस में कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया माइनस टू एंड यहाँ पे आ जाएगा टू बाई फाइव, एंड ये पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो ए आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस टू से टू बाय फाइव. ठीक है, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इन दोनों का एक नंबर लाइन पे. तो हमारे पास क्या क्या है, माइनस टू टू बाय फाइव एंड वन. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस टू से लेके एक हमें क्या गिवन है, वन तक गिवन है, और हमें क्या गिवन है, माइनस टू से टू बाई फाइव. तुम्हें पता है माइनस टू से टू बाई फाइव वाला पार्ट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों में आ रहा है. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस टू से टू बाई फाइव. अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार माइनस टू और टू बाई फाइव दोनों पे चेक कर लेते हैं. तो आप अगर ये चेक करोगे माइनस टू को ए को रख के, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमें इक्वेशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो. अब हम क्या करते हैं, ए को माइनस टू रख के देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है. अगर यहाँ पे माइनस टू रखेंगे तो इसका तो एक फैक्टर है माइनस टू, तो ये तो जीरो हो जाएगा. यहाँ पे भी माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस टू, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. हमारे पास लास्ट में क्या रहा है, माइनस वन इज लेस देन जीरो, तो ये तो ट्रू है. तो इसका मतलब जो हमारा ए इक्वल टू माइनस टू है, ये भी हमें क्या दे रहा है, सही आंसर दे रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ओपन ब्रैकेट की जगह क्या लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे. तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके टू बाई फाइव ओपन ब्रैकेट. ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया बी, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट. Thank you for watching this video. Hope you enjoyed the session.